सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, इन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। आज का पंचांग 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 2:46 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनुराशि 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, दुर्घटनाओं या मरम्मत को लेकर हुई बहस आपके तनाव का कारण बन सकती है। कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। गपशप और अफवाहों को नजरअंदाज करें। आपके दुश्मन आपकी सफलता को देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहें। आज आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो आपको आकर्षण का पात्र बनाएगी। अहंकार न करें क्योंकि यह आपको सफलता में बाधा बन सकता है। ईर्ष्या करने वाले भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आज अपने किसी रुके हुए कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। कोई पैतृक मामला अटका हुआ है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बनेगी। आपकी गलती के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। हड़बड़ी ना करें, समस्या को दूर करने की क्षमता आप में है। लोगों की आलोचना को नजरअंदाज करते हुए केवल काम पर ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी या बड़ी खरीदारी के संबंधों में योजना बन सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले को नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होने में वक्त लगेगा। पति पत्नी में थोड़ी दूरियां बनती हुई नजर आ रही है। तालमेल बनाए रखें। सावधानियां, किसी भी वाद विवाद की स्थिति से खुद को दूर रखें। आपकी कोई खास बात भी सार्वजनिक होने की आशंका है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को सीक्रेट रखें। कुछ समय आध्यात्मिक स्थल पर एकांत में व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। करीबी व्यक्ति से मिला धोखा आपको परेशान कर सकता है, किंतु आप हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। एक नई शुरुआत के लिए यह समय बेहतरीन है। अपने आकर्षण का प्रयोग करके नए दोस्त बनाएं व रोग बाधाओं या ऋण से बचने के लिए समझदारी से काम लें। इस समय आत्मसम्मान होना अच्छी बात है, किंतु इसे अहंकार ना बनने दें। अपने कलात्मकता आपके बेरंग जीवन में प्रणय के रंग भर देगी, जिसे आप अपने साथी से दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो आज सपनों की रानी या राजा मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। याद रखें कि वादा तभी करें अगर निभा सकते हों। बात करते हैं करियर की। आप अपने बिजनेस और नौकरी के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं और आपने नई ग्राहक नीतियां भी विकसित की है। आपके अधीनस्थ और आश्रित भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे आपका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। पालतू जानवर और मुकदमेबाजी में भी समय व्यतीत हो सकता है। आज आप जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं वो आपको भीड़ से अलग बनाती है और इसीलिए लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आप आज मीटिंग और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा करेंगे। आप में आत्मविश्वास भरपूर है, किंतु रवैये और अहंकार के बीच की पतली रेखा को अनदेखा ना करें। नए रास्ते को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। सेहत तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में उचित सफलता मिलने की स्थिति बनी हुई है।
आपने नया काम शुरू करने की योजनाएं बनाई हैं, उस पर तुरंत अमल करें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। मांसपेशियों में खिंचाव भी हो सकता है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।